दोस्तों, अगर आप फोन पे वॉलेट के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक जेन्युइन तरीका लाया गया है फोन पे की तरफ से कि अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर बैलेंस विड्रॉ करने के लिए आपके वॉलेट को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर फोन पे के अंदर ही जो ऑप्शन आया उसी का यूज करके जो है आप फोन पे वॉलेट के पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पे मैं लाइव तरीका दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले फोन पे को अपडेट कर लेना है। फोन पे को अपडेट करने के बाद इसको ओपन करते हैं हम, ताकि देख पा रहे हैं हम फोन पे के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। अब फोन पे वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, फोन पे वॉलेट में हम चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा करंट बैलेंस 600 है। यहाँ पर एड मनी का ऑप्शन है, यहाँ पर अमाउंट डाल के आप एड भी कर सकते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा। विड्रॉ का ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो कैसे दिखेगा, मैं वो भी बताऊंगा। यहीं से आप जो है अपने पैसे को निकाल सकते हैं, फोन पे के अंदर ही देख सकते हैं। फोन पे वॉलेट, फोन पे के अंदर ही ये ऑप्शन आ चुका है कि आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। जितना अमाउंट आपके वॉलेट में है आप और जितना निकालना चाहते हैं उतना यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और यहाँ पर विड्रॉ नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसमें ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंस्टेंट। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यही एक ऑप्शन है जो अभी आया है फोन पे के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया है। बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वॉलेट को क्लोज किए हुए आप अपने अकाउंट में फोन पे वॉलेट के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये ऑप्शन कैसे आएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर KYC वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो गाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि KYC करना होगा आपके वॉलेट को अपग्रेड करने के लिए। आपका वॉलेट अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपको 2 लाख तक लिमिट भी मिल जाती है कि आप अपने वॉलेट में 2 लाख तक अमाउंट रख सकते हैं और कभी भी वॉलेट के अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में आसानी से यहीं पर से भेज सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने जो है फोन पे वॉलेट से अपने अकाउंट में देखिए यहाँ पे 50 रुपया भेज के प्रैक्टिकल किया था तो ये सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरह से वॉलेट के पैसे को आसानी से हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले जो लोग परेशान होते थे फोन पे वॉलेट के पैसे को निकालने के लिए, अब यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका आ चुका है।